पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के समर्थक चाहते हैं कि वो सीएम बने, तो दूसरी ओर कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार भी सीएम के रेस में हैं। अब कांग्रेस आला कमान को तय करना है कि राज्य की कमान वो किसे सौंपते हैं। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा? ये सवाल सिर्फ कर्नाटक वालों के दिलों में नहीं धड़क रहा, बल्कि कांग्रेस के एक एक नेता के दिल में धड़क रहा है, क्योंकि अब तक तय नहीं हुआ है कि सीएम कौन होगा। और डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया दोनों ने अपनी अपनी दावेदारी बगैर नाम लिए कर चुके हैं। कर्नाटक की गलियों में लगे इन पोस्टर्स पर नजर डालिए। सिद्धरमैया के समर्थक जिस तरह से पोस्टर लगा रहे हैं, उससे अंदाजा लगाना आसान है कि उन्होंने बतौर सीएम अपनी दावेदारी जता दी है। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार हैं, जो जीत का श्रेय खरगे और गांधी परिवार को दे चुके हैं। वो परिवार के साथ मंदिर और मठों में प्रार्थना कर रहे हैं। मगर सवाल जस का तस है कि कर्नाटक का सीएम कौन होगा। कल यही सवाल कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे से किया गया था। तब खड़गे ने कहा था कि मुख्यमंत्री को लेकर विधायकों की राय जानी जाएगी, आलाकमान से मंत्रणा की जाएगी। यहाँ के एमएलए की मीटिंग बुलाते हैं, ऑब्जर्वर सेंट्रल ऑब्जर्वर जाते हैं, जाने के बाद वहाँ का जो ओपिनियन आएगा, जो कंसेंसस बनेगा, वो हाईकमांड को बताएंगे। हम लोग उसमें सभी रहेंगे, राहुल जी रहेंगे, सभी लोग मिलके निर्णय वो लेंगे। यही मंत्रणा करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचे हैं। उधर बेंगलुरु में सीएम पद को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है, मगर कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। अगले 3-4 दिन में कांग्रेस अध्यक्ष और सभी नेता, यहाँ के जो प्रभारी है, यहाँ के जो बड़े नेता है, राहुल जी भी होंगे, सब लोग बातचीत करेंगे, आपस में बातचीत होगी, एक आम सहमति बनेगी। नहीं, वो नहीं आ रहे, उनसे बातचीत तो जरूर होगी, जरूर होगी, पर कांग्रेस अध्यक्ष जी है, वो कांग्रेस कर्नाटक को अच्छी तरह से जानते हैं, वो कर्नाटक के ही हैं, तो सब बातचीत होगी, एक आम सहमति बनाए, एक कंसेंसस बनाया जाएगा। सीएम पद पर भले ही कोई साफ साफ पत्ते ना खोले, मगर इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया के समर्थकों में खेमेबंदी साफ तौर पर देखी जा रही है। चुनाव तक तो कांग्रेस ने किसी भी तरह की खेमेबंदी होने से बचा ली, मगर अब कांग्रेस के लिए फैसला आसान नहीं होने वाला। देखिए, आज हम 3 लोगों को ऑब्जर्वर के नाते भेज दिए हैं, और वो तीनों लोग जाएंगे, उसमें सुशील कुमार सिंधे जी हैं, बाबरिया हैं, और जितेंद्र सिंह है, वो सभी लोग, तीनों लोग ऑब्जर्वर जाकर जो कुछ एमएलए की राय सुनेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उसके बाद हाईकमांड को रिपोर्ट देंगे, और हाईकमांड निर्णय लेगा और उचित निर्णय लेगा। डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया दोनों के घरों के बाहर समर्थकों का हुजूम उमड़ रहा है। और तो और, अपने दावे को मजबूत करने के लिए सिद्धरमैया कई विधायकों के साथ खड़गे के घर पहुंच गए। जाहिर तौर पर वो बताना चाह रहे हैं कि सीएम तो वही बनेंगे। उधर शिवकुमार के पक्ष में लिंगायत लॉबी है। कुछ लिंगायत गुरु आशीर्वाद देने शिवकुमार के घर भी पहुंचे। दोनों की मजबूत दावेदारी है। प्लस पॉइंट की बात करें तो शिवकुमार रणनीति के माहिर हैं और नया चेहरा है, जबकि सिद्धरमैया बेदाग छवि वाले हैं। पूरे राज्य में उनकी अच्छी पहचान है और राजनीति का लंबा अनुभव है। बतौर सीएम भी उन्होंने अच्छा काम किया था और लोग उन्हें पसंद करते हैं। माइनस पॉइंट पर नजर डालें तो डीके पर करप्शन के आरोप हैं। विधायकों की एक राय उनके पक्ष में मुश्किल है, जबकि सिद्धरमैया की उम्र ज्यादा है और वो वोका लिगा और लिंगायत विरोधी की पहचान रखते हैं। कांग्रेस ने सुशील कुमार शिंदे, जितेंद्र सिंह और दीपक बावरिया को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया है। जाहिर तौर पर मंथन तेज है कि कर्नाटक का बॉस किसे बनाया जाए, और निश्चित ही कांग्रेस के लिए बगैर किसी विवाद के सीएम का चुनाव आसान नहीं है। बेंगलुरु से सगाई राज, अनाघा प्रमोद और माधव के साथ आज तक ब्यूरो।